भोपाल से हमारे संवाददाता संतोष योगी की खबर। सिसोदिया फ्यूल सेंटर का शुभारंभ किया गया। राजधानी भोपाल के जेल रोड पलासी करोड़ पर स्थित सिसोदिया फ्यूल सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के द्वारा किया गया। पेट्रोल पंप के संचालक अजय सिसोदिया एवं गौरव सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इस पेट्रोल पंप पर शुद्धता की कसौटी पर खरे उतरने का प्रयास किया जाएगा। यह पेट्रोल पंप 24 घंटे आम नागरिक की सेवा में तत्पर रहेगा। इस पेट्रोल पंप पर इस बात की गारंटी है कि किसी भी प्रकार की मिलावट या कम मात्रा में पेट्रोल पंप नहीं दिया जाएगा। शुद्धता की कसौटी पर यह पेट्रोल पंप निरंतर जनमानस की सेवा करता रहेगा। बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आज सिसोदिया फ्यूल सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी भोपाल वासियों को सूचित किया जाता है कि इसमें शुद्धता की पूरी हमारी जवाबदारी रहेगी। इसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं रहेगा, सब शुद्ध माल रहेगा। और पेट्रोल हम काफी टाइम से लगे हुए थे इसमें, लेकिन अब जाके हमें ये पेट्रोल पंप मिला है जी। माननीय विश्वास सारंग जी भी आएंगे आज, उनका भी आना है। गिफ्ट वगैरह का ऑफर अभी ऐसा कुछ ऑफर नहीं रखा है, बाकी जैसा भी होगा रखेंगे ऑफर। जी ये तो हम पूरी गारंटी से कहते हैं कि हमारे यहाँ पूरी शुद्धता बिल्कुल जो रहे वो शुद्धता रहेगा। सिसोदिया फ्यूल सेंटर ये पलासी न्यू जेल रोड करोन भोपाल, अजय सिंह सिसोदिया। आज सिसोदिया फ्यूल सेंटर का भव्य शुभारंभ माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी द्वारा होने जा रहा है। ये एचपी संचालित हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल टैंक है, जिसमें हम डीलर बनाए गए हैं उनके, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा यहाँ पे डीजल पेट्रोल की बिक्री शुद्धता पूरी क्वांटिटी हमारे गारंटी रहेगी जी। ये 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। नहीं ये पहले ही हमारे पहली डीलरशिप है और पहले ही हमारा व्यापार है। जी उनकी भी इसमें बहुत बड़ी प्रेरणा रही है, स्टैंड अप इंडिया की, वॉक अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। बढ़िया बढ़िया, बहुत खुशी हो रही मेरे को। हाँ जी जी।